हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है कि दो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए हैं, और वो दो एडमिट कार्ड कौन कौन से और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो UPSC की तरफ से सबसे पहले दो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए हैं। कौन कौन से रिलीज़ किए गए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो देख लीजिए। UPSC.online.nic.in पर आपको पहले तो विज़िट करना होगा, दैनिक कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पहले तो ई एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड की बात मैं कर रहा था, यहाँ पर दो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए हैं। पहला CDS जो है कि एग्ज़ाम सेकंड वाला एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है, और दूसरा जो है कि NDA वाला जो है कि एग्ज़ाम सेकंड का एडमिट कार्ड वो रिलीज़ किया गया। आप यहां पर दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो अब डाउनलोड करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो पहले जिसका भी डाउनलोड करना होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड पर आप मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइमिंग दी गई है कि आप 10/8 से लेकर 4/9/2022 तक आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर क्लिक किया टू डाउनलोड, यहाँ पर आपको बताया गया, निर्देश दिए गए हैं, आप इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा एक बार। इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए इंग्लिश व हिंदी दोनों में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर मतलब ये कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया पूरा। उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन ID, बाई रोल नंबर, तो आप किसके थ्रू, मैं यहाँ पर बाई रजिस्ट्रेशन ID पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID, DOB एंड ये कैप्चा देन सबमिट करेंगे तो अब आप जो है कि अपना एडमिट कार्ड बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेंगे।